सही बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम देखें परागण और निषेचन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे। तो परागण क्या होता है कि जैसे फूल है, मान लो इस फूल में इसका पराग कोष होता है, उस पराग कोष से जो पोलन, पोलन मतलब पराग, ये पराग होते हैं, पोलन का मतलब था पराग और एथर का मतलब होता है पराग कोष, पराग कोष। तो फूल के अंदर पराग कोष होते हैं, उस पराग कोष से पराग निकलते हैं और ये जो पराग किसी मादा के पत्तिका, पत्तिका के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को नाम दे दिया परागण। परागण किसको कहेंगे कि पराग कोष से पराग मादा के किसी वृत्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को परागण कहते हैं। तो एक फूल के नर भाग से, नर भाग मतलब एथर, एथर को परागकोष भी कहते हैं हिंदी में, या अलग अलग फूल के मादा भाग में पराग के स्थानांतरण की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अब ये हो सकता है कि ये फूल है, इसके पराग इसी पौधे में आ जाए या इसी मतलब मादा के मृत्तिकाग्र में आ जाए, या हो सकता है कि ये जो पराग है दूसरे जो पौधा या जो मादा मृत्तिकाग्र उसमें भी आ सकता है। तो ये संभावना हो सकती है कि भाई ये हवा के द्वारा, जल के द्वारा, या उस पर जो कीट होते हैं उसके पैरों के माध्यम से, या हम हाथ लगा के इसको, यदि स्कूल को हाथ लगा के स्कूल को हाथ लगाए तो वो पराग इसके द्वारा स्थानांतरित हो सकते हैं। तो उसमें भी स्थानांतरित हो सकते हैं और दूसरे फूल में या दूसरे जो पौधा होता है उसके मादा वृत्तिकाग्र तक ये पराग जा सकते हैं। तो दोनों तरह की क्रिया हो सकती है। तो समझ में आ गया परागण किसको कहेंगे कि जब एक फूल का जो पराग कोष होता है, उस पराग कोष से पराग जब किसी मादा के वृत्तिकाग्र तक पहुंचता है, स्थानांतरित होता है, तो ये जो क्रिया होती है ये क्रिया को हम परागण कहते हैं। हम निषेचन किसको कहेंगे कि निषेचन में क्या होता है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक, युग्मक का मतलब होता है गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये जब दो मिलते हैं और जिससे जायगोट बनता है, तो ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। निषेचन में क्या होता है कि एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है, दोनों मिलते हैं उनके अंडाणु शुक्राणु, तो जो क्रिया होती है उस मिलन को हम क्या कहेंगे, निषेचन कहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना कि निषेचन में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों रहेंगे, वो दोनों आपस में मिलेंगे, उनके शुक्राणु अंडाणु है ना, स्पर्म और जो हमारे पास एग होता है, अंडाणु होते हैं, वो आपस में मिलते हैं। तो ये जो क्रिया होती है इसको मिलन की क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। दूसरा इसमें लिखा है कि पराग ट्यूब का कोई गठन नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखना है कि परागण सिर्फ यहीं तक का प्रोसेस होती है, यहाँ तक ऊपर तक, यहाँ से फूल से पराग आया और यहाँ पर ये आने की जो प्रक्रिया होती है, स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, इसको परागण कहते हैं कि यहाँ से पराग यहाँ तक आ जाते हैं, महिला या मादा के वृत्तिकाग्र स्टिग्मा तक आ जाते हैं, ये क्रिया कहलाती परागण कहलाती है। लेकिन इसमें ट्यूब का कोई रोल नहीं होता, पराग ट्यूब का कोई गठन नहीं होता है। लेकिन इसमें जो होता है निषेचन में क्या होता है कि ट्यूब होती है, ध्यान रखना ट्यूब, जिसको पराग ट्यूब भी कहते हैं फूल के इसके तौर पर, यहाँ पर एक ट्यूब बना रखी है, ये अंदर एक ट्यूब बना रखी है वाली, ये पराग ट्यूब कहलाती है इस तरह से। अब होता क्या है कि जो नर के जो पराग होते हैं इस ट्यूब के माध्यम से ये अंदर आ जाते हैं, कहाँ अंदर आ जाते हैं, मादा जो रहता है हमारे पास, मादा के जो ओव्यूल रहते हैं, अंडाणु होते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं, एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोष का जो भ्रूण कोष होता है उस भ्रूण कोष में आकर ये अंडाणु जो क्या ना, जो पराग होते हैं, पराग मतलब मेल के और एग से मतलब ये ओविल मतलब ये अंडाणु होते हैं मादा का, तो अंडाणु और शुक्राणु, ये शुक्राणु या अंडाणु पराग और ओविल, तो ये जो दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, निषेचन होता है और उससे उस निषेचन से क्या बनेगा, बीज बनता है, फल बनता है ना। तो ये जो क्रिया होती है ये क्रिया हमारे पास में निषेचन होती है। कहने का मतलब ये है कि निषेचन के लिए पराग ट्यूब का होना आवश्यक है, नली का होना आवश्यक है, उस नली के माध्यम से
वो जो पराग होते हैं वो पराग मादा के साथ मिलते हैं, उसका जो अंडाणु होता है उसके साथ वो मिलते हैं, मिलन करता, फ्यूजन होता है, संयलन होता है, तो हमारे पास में बीज बनता है और वो भ्रूण कोष में बीज का क्या होता है, विकास होता है, विकसित होता है। तो एक चीज ध्यान रखना कि परागण में पराग ट्यूब का होना आवश्यक नहीं होता है और इसमें निषेचन में पराग ट्यूब का होना आवश्यक होता है। तीसरा हमने लिखा कि यह एक बाहरी तंत्र है और एक फूल के बाहरी भाग पर होता है, स्वाभाविक है कि ये जो होता है जो ऊपरी होता है यहीं पर होता है, बाहरी तंत्र एक्सटर्नल एजेंट है, तो ये जो होता है इसकी जो क्रिया होती मैकेनिज्म वो एक्सटर्नल होती है, बाहरी होती है, आउटर भाग पे ही होती फ्लावर के, बाहरी भाग पे होती है यहाँ पे, और ये जो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो इनसाइड होती है, मतलब अंदर होती है, फूलों के अंदर होती है, ये एक आंतरिक तंत्र और फूलों के अंदर होता है, तो ये अंदर जो होता है यहाँ तक आता है, तो ये अंदर की प्रक्रिया है। निषेचन से पहले परागण होता है, स्वाभाविक है कि पहले यहाँ अलग परागण होगा, यदि परागण नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा, तो पहले यहाँ से जो पोलन होते पराग यहाँ पे आते महिला के वृत्तिकाग्र पर आते और उसके बाद में यहाँ पर आके निषेचन करते, निषेचन यहाँ होगा, पराग ट्यूब से ये आएंगे और यहाँ आके दोनों मिलते हैं तो वो निषेचन होता है। तो परागण के पहले सॉरी निषेचन के पहले क्या होता है, परागण होता है और परागण के बाद निषेचन होता है, यहाँ परागण आ गया फिर उसके बाद ट्यूब से परागकण यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे निषेचन होता है। दो प्रकार के होते स्व परागण और पर परागण। स्व परागण का मतलब इसके पराग इसी में आ गए तो इसको बोलते हैं स्व परागण, यदि इसके पराग दूसरे फूल में दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं पर परागण, बोलते हैं दूसरे पौधे में हो जाते हैं तो उसको हम पर परागण भी कहते हैं। तो एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इसमें आवश्यक होते हैं, मतलब पराग कण को ले जाने के लिए एक्सटर्नल बाहरी तत्वों की आवश्यकता होती है, फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे पानी जल सॉरी वायु है पानी है, है? या फिर मान लो कीट, कीट के जो पौधे मान लो कीट इस पे बैठा हो और वो कीट उड़ के यहाँ बैठ गया तो उसके पराग उसके माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं, हवा के माध्यम से भी यहाँ आ सकते हैं, या मान लो कि पानी के माध्यम से भी पानी जाकर छिड़ते हैं तो उसके पराग इधर उधर हो सकते हैं, या फिर यदि मान लो अपने इसको हाथ लगाया और वो हाथ लगा के यहाँ पे हमने हाथ लगा लिया तो हमारे हाथ में पराग आ सकते हैं, वो दो पराग यहाँ पे आ सकते हैं। तो कहने का मतलब परागण के लिए किसी बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, मतलब हो सकता है पानी के द्वारा या मान लो हवा के द्वारा या कीटों के द्वारा या हमारे द्वारा भी हो सकता है परागण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन निषेचन के लिए क्या हो गया कि यहाँ आ गए तो फिर अंदर कोई बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। एक चीज इसमें यह ध्यान रखना कि फिजिकल प्रोसेस है, ये फिजिकल प्रोसेस होती है ना, भौतिक प्रक्रिया है और इसमें जेनेटिक प्रोसेस होती है और बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, दोनों होती है, आनुवंशिक और बायो मेथड बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, जीव रासायनिक प्रक्रिया है ध्यान रखना, इसमें जीव की उत्पत्ति होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखना है कि जो है परागण और निषेचन में अंतर याद करते समय स्पष्ट दिमाग में ये हो जाना चाहिए कि परागण का मतलब ये होता है कि फूल का जो पराग कोष होता है वहाँ से पराग निकलेंगे, उन मादा का जो वृत्तिकाग्र होता है वहाँ तक पहुँचता, बस ये जो क्रिया होती है हस्तांतरण की कि पराग कोष से पराग निकलकर मादा के वृत्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और निषेचन में क्या होगा कि निषेचन में वहाँ तक पराग कोष मादा वृत्तिकाग्र तक पहुँच जाता है तो फिर वो एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब के माध्यम से जो पराग जो होते मेल के, मेल मतलब नर के पराग जो होते वो मादा के अंडाणु तक जाने के लिए ट्यूब बनी होती है, इस ट्यूब के माध्यम से मादा के अंडाणु के साथ में वो मिलता है, उसमें जाके उसका क्या करता है मिलन होता है, तो ये जो क्रिया कहलाती है इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें जो है ट्यूब का होना आवश्यक नहीं है, इसमें ट्यूब का होना आवश्यक है, कौन सी पराग ट्यूब फूलों पौधों के लिए है ना। तो और इसमें बाहरी तंत्र होता है बाहरी हो जाता है पराग, और ये जो होता है आंतरिक तंत्र होता है इंटरनल फैक्टर्स होता है
इससे निषेचन से पहले परागण होता है, निषेचन के पहले यहाँ परागण होगा, फिर बाद में निषेचन होगा और परागण के बाद निषेचन होता है। ये दो प्रकार का होता है। यदि इसी में पोलन आ जाए, पराग आ जाए, तो उसको स्व परागण, और ये पराग यदि दूसरे पौधे में चले जाए तो उसको हम पर परागण कहते हैं। इसके लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता होती है, जैसे जल है और हवा है, या कीट, कीट के पंख या कीट के जो पैर होते हैं उसमें भी चिपकते हुए यदि यहाँ बैठ जाता या यहाँ बैठ जाता तो उसमें पराग चले जाते, तो उनके माध्यम से भी परागण होता है। फिर इसमें कोई बाह्य कारकों की आवश्यकता नहीं होती है। और ये जो होती है फिजिकल प्रोसेस होती है, भौतिक प्रक्रिया है, और ये आनुवंशिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से अपने को इन दोनों के बीच डिफरेंस याद रखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।